इसी के साथ में इनकी तारीफ की जरूरत क्या है दोस्तों, इनकी तारीफ की जरूरत क्या है? आपको नहीं है खुद अपने ही खत का अंदाजा, आपको नहीं है खुद अपने ही खत का अंदाजा, आप आत्मा है मगर सर झुकाकर चलते हैं। तो फिर लाइक सर, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर जिला परिषद, नीचे ना खड़े रहते हुए ऊपर जाकर गैलरी में बैठ जाए। हर साल अपन एनुअल डे बनाते हैं, दो साल कोई की वजह से नहीं मनाए, अब इस वक्त अपने को मौका मिला है, तो इस मौके के लिहाज से हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके, बच्चे के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें वो उजागर हो सके, इसलिए उनको मौका दिया जाता है और एक प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया जाता है। इस मकसद के तहत ही एनुअल फंक्शन लिया जाता है, इसमें सरकार बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारा स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है। अब ये तकलीफ करने का वक्त नहीं है क्योंकि हमारे मेहमान बड़ा कीमती वक्त देकर यहाँ पर आए हैं, उनको जाना भी है और उनको कुछ अपना एक्टिविटीज प्रोग्राम देखना है, कल्चरल प्रोग्राम देखना है, इसलिए हम वक्त ज्यादा नहीं लेंगे। मैं हमारे जिला परिषद के जवाहर साहब जो वक्त पे हमको तनख्वाह देते हैं, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होने देते हो, एक तारीख बोले तो एक तारीख को हमारे अकाउंट में जमा करते हैं तनख्वाह, इनकी मेहरबानी से हर महीने एक तारीख को हमको तनख्वाह मिल जाती है, इनका बहुत बड़ा अच्छा काम है, इसलिए मैं उनको दावत देता हूँ कि आओ और दो अल्फाज से हमारी हौसला अफजाई करें। देखो नहीं, उधर सर ने बोला भी है कि मैं एक तारीख को तनख्वाह देता हूँ सबको, तो आज का जो कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है, ये कार्यक्रम आपके लिए है और ये दो साल का इंतजार है, बोले तो दो साल कोविड ने थोड़ा लाइक, दो साल पूरे कोविड ने हम लोगों को घर में बिठा के रखा था, सबसे बड़ी खुशी बच्चों को हुई होगी कि चलो दो साल स्कूल में जाने का काम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ऐसी है कि दो साल हम घर में बैठे लेकिन कोविड से हम बहुत कुछ सीखे हैं, हमारे सपने देखना बंद हो गए क्या? अगर आते तो पुलिस वाले डंडे मारते, तो हम लोगों को बाद में ऐसा लगा कि अभी घर में बैठना नहीं है, अभी हम अपने अपने काम पे जाएंगे, और बच्चों को भी ऐसा लगने लगा था कि घर में बैठ के कुछ भी नहीं है, हम अपना स्कूल ही अच्छा है। और अभी आज का जो कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम ये आपके बच्चों का जो यहाँ पे आपको कार्यक्रम दिखाने वाले है ये आपको देखने में ज्यादा खुशी है, मैं जो बात करूंगा उससे वो आपको देखने का इंतजार है, इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और मेरे दो शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ और आगे के कार्यक्रम को शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू। आपको सलाम वालेकुम। आलमी स्कूल का एनुअल डे का शेड्यूल देखने के बाद अच्छा लगा कि बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज को स्कूल ने एक मौका दिया है, इस मौके को और एनुअल फंक्शन डे को एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुबारकबाद शुभेच्छा। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। इस प्रोग्राम के वक्त पर मौजूद हमारे दोस्त जवलकर साहब, उसी तरह अर्जन जिनको यहाँ पर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए बुला गया, ऐसे हमारे अजीज दोस्त हमारे भाई सीताराम पवार जी, उसी तरह अलमीर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मेरे छोटे भाई सईद सर और आवेश भाई और आप तमाम पेरेंट्स, आपके और इस प्रोग्राम के दरमियान में हम ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर हमको बुलाया गया, इज्जत बख्शी गई, इसलिए हम सईद सर का और तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग इमला अलमीर प्राइमरी स्कूल के शुक्रगुजार हैं। और इस प्रोग्राम को बेहतरीन बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिली, अभी पवार साहब भी मुझको बोल रहे थे कि प्रस्ताविक जो है तो माइक के ऊपर करा जाता, तो एक सईद सर ने एक नया आइटम यहाँ पर पेश किया और माशाल्लाह हमको बहुत पसंद आया, उसके अंदर जो है तो थोड़े वक्त के अंदर पूरा उनकी कारकर्दगी यहाँ पर बताई गई।
तो इस प्रोग्राम को हमारे तरफ से अलमीर सेकेंडरी की जानिब से दिल से मुबारकबाद मैं देता हूँ और प्रोग्राम देखने के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।
ना खड़े रहते हुए ऊपर जाकर गैलरी में बैठ जाए। तू शाहीन है, परवाज है तेरा काम, तेरे सामने आत्मा और भी है। अभी कुछ ही देर में आपके सामने दुनिया में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले उन तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। रफीउद्दीन बेटा यहाँ देखो, जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों। सैयद उदैर अली रफत अली, आयशा मुस्तफा खान, अंसार अंसारी, जिक्रा शेख जफर। ये तो हाथ में दे तो सर को। ओके ले लीजिए, यहाँ देखिए। ओके एक सेकंड सर। सर एक मिनट, यहाँ देखिए। उल्टा हो गया। ओके यहाँ देखिए सर। ओके ठीक है। तहत जारी अलमीर प्राइमरी स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। अब इस साल ये इदारा 1972 में कायम हुआ। इसके बानी जब अब्दुल्ला साहब थे और उनके अहलिया थे, उसके बाद अब्दुल रऊफ पठान साहब ने इसको लिया, फिर रऊफ पठान साहब के बाद अब ये इदारा विराट मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब के ज़ेर निगरान जारी है, इनके सरपरस्ती में जारी है। हर साल ये प्रोग्राम हम लेते हैं, लेकिन दो साल कोविड की वजह से इस प्रोग्राम को हमने नहीं लिए थे। 19 तारीख को हमारे स्कूल के चेयरमैन समीर सेठ का बर्थडे था, इस ज़िम्मे में प्रोग्राम रखा गया। और ये प्रोग्राम रखने का मकसद हमारा ये होता है कि बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं उसको उजागर करना, उनके अंदर क्या क्या छुपी हुई चीज़ें हैं वो उजागर करना, इस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा जाता है। और बच्चे भी बड़े अच्छे अंदाज में अपनी सलाहियत का इजहार करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।